ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ गुजरा है इन चार दिनों में तुम पे। गुजरा नहीं है, गुजार लिया है। क्या क्या कहते हैं लोग? मुझे लोगों की परवाह नहीं है बिलाल, मैं तो वो सुन रही हूँ जो अब्बू की आंखें बोल रही हैं। सदमा है, बहुत बड़ा सदमा। उनके लिए अब मैं सहारा नहीं, बोझ हूं। औरत का मकाम कुछ भी हो, वो अपने मां बाप के लिए सिर्फ बोझ होती है। वो किसी ओहदे किसी हैसियत पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी कामयाबी एक अच्छे रिश्ते के तराजू में तोली जाती है। अब्बू को भी दुख है एक बहुत अच्छे रिश्ते के चले जाने का। और तुम? तुम समझ रहे हो कि मुझे भी दुख है? मेरे गले में अटके हुए आंसुओं की लोंधी आवाज इसी महरूमी की वजह से है बिलाल। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोहिल को धुतकार दिया और अब पछता रही हूं? क्या सोच रहे हो बिलाल? बहुत छोटी हैसियत का आदमी, मेरी बिरादरी के लोग तुम्हारे घर को इस तरह से देखते हैं जैसे देहाती शहर में जाकर ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए अपने सर की टोपी को संभाल रहा होता, कहीं ये ऊंचाई उसकी टोपी को गिरा ना दे। तो फिर संभालते फिर अपनी टोपी। मैं भी अपनी चादर पहनकर बैठी हूं अपने घर। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मनाने नहीं आ सकता। मैं भी चलता रहूंगा और तुम भी चलती रहोगी और करता रहूंगा मैं तुम्हारा इंतजार। ना मैं लूट के जा रही हूं ना ही मेरा इंतजार करना। अगर मुझसे मोहब्बत है तो आकर मांग लेना मुझे मेरे बाप से। मैंने कह दिया है उनसे कि इसके बाद जो भी रिश्ता आएगा मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगी। क्या मसला है? इतनी ठंड में यहाँ बैठे बुखार चढ़ जाएगा। बेटा उधर मेरा दिल घबराता है। जो बंदा सारी हयाती खुले आसमान के नीचे सोया हो उसे हीटरों शीटरों में नींद नहीं आती पुत्र। अब अगर तुझे आराम की जिंदगी नहीं ना चाहिए तो छोड़ देता हूँ मैं ये सारा कारोबार। और नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा, मुझे अपनी मंजी के आले दुआले तेरे बच्चों की आवाजें चाहिए। तेरी माँ इस ख्वाहिश को अपने दिल में लेके कब्रों में चली गई। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? किस चीज की कमी है तेरे पास? नहीं मांग सकता तू उसको मेरे लिए। कौन है वो? बताता नहीं कौन है। मैरुनिसा चौधरी मंसूर की बेटी। आश्की है।